चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है चक्रवात निवार। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, चक्रवात क्या होता है, चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं और चक्रवाती तूफान का नाम कैसे रखा जाता है। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे, यह चर्चा में क्यों है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बना चक्रवाती तूफान तमिलनाडु की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से 25 नवंबर को करैकाल तथा मामलापुरम के बीच 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकरा सकता है और इसकी गति बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर एनडीआरएफ के करीब 1200 बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है और 800 अन्य को तैयार रखा गया है। चक्रवात क्या है? कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के साथ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहते हैं, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं। भारत के तटवर्ती इलाके विशेषकर ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से ज्यादा प्रभावित होते हैं। पिछले 120 साल में आए सभी चक्रवाती तूफान के 14% ही भारत के पास के अरब सागर में आए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं? गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। तेज घूमती इन हवा के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर हो सकता है। चक्रवाती तूफान का नाम कैसे रखा जाता है? विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। 8 उत्तरी भारतीय समुद्री देश अर्थात बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफान के 64 नाम तय करते हैं, अर्थात हर देश 8 नाम तय करता है। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम रख दिया जाता है। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नाम के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की यह प्रक्रिया शुरू की गई है। आज का प्रश्न है, चक्रवात निवार से निम्न में से कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे? विकल्प ए तमिलनाडु, केरल। विकल्प बी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। विकल्प सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। विकल्प डी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.